यदि आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं ICICI Lombard Elevate एंड Care Supreme में, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम दोनों ही प्लान का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स को जानेंगे, दोनों ही प्लान के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, उनके क्लेम सेटलमेंट का एनालिसिस करेंगे एंड प्रीमियम्स को देखेंगे और इन सारे ही पैरामीटर्स के बेसिस पे यह जानने का कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों ही प्लान के बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो दोनों ही प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम कोई भी एंट्री एज नहीं है। किसी भी एज में हम दोनों ही प्लान को ले सकते हैं, तो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, इवन आफ्टर 65 भी आप दोनों ही प्लान के लिए एलिजिबल रहेंगे। सम इंश्योर्ड ऑप्शन Care Supreme में हमें 5 लाख टू 1 CR तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शन मिलते हैं। वहीं ICICI Lombard Elevate में हमें 5 लाख टू 3 CR तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके साथ ही हमें एक अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का भी ऑप्शन मिलता है। तो यदि आपको लग रहा है कि 3 करोड़ का कवरेज भी सफिशिएंट नहीं है, तो आप फिर वह अनलिमिटेड अमाउंट वाला जो कवरेज है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। रूम कैटेगरी की बात करें तो Care Supreme में रूम कैटेगरी वाइज कोई कैपिंग नहीं है, किसी भी कैटेगरी का रूम हम ले सकते हैं। वहीं ICICI Lombard Elevate में सिंगल प्राइवेट AC रूम की इनबिल्ट कैपिंग है, लेकिन इसके साथ हमें रूम मॉडिफायर अपग्रेड का एक ऑप्शन मिलता है। तो यह एड ऑन हम अपनी पॉलिसी के साथ में लेके किसी भी कैटेगरी का रूम अवेल करा सकते हैं। नेक्स्ट, आयुष ट्रीटमेंट। तो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी से रिलेटेड इन पेशेंट ट्रीटमेंट दोनों ही प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। Care Supreme में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज कवर है। वहीं ICICI Lombard Elevate में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 180 डेज तक के कवर होंगे। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस 24 घंटे से ऊपर का जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसे कवर करता है। ऐसे में बहुत सारे प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें इनपेशेंट ट्रीटमेंट तो है, लेकिन 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है, कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही वो ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसे ट्रीटमेंट डे केयर ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड हैं। ऑर्गन डोनर कवर दोनों ही प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, सो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, इमरजेंसी में यदि हम घर पे हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं तो दोनों ही प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। होम केयर ट्रीटमेंट Care Supreme में अवेलेबल नहीं है। ICICI Lombard Elevate में भी एग्जैक्ट होम केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आप नर्सिंग एट होम के बेनिफिट्स ले सकते हैं एज ए एड ऑन। नेक्स्ट बेनिफिट है रोड एम्बुलेंस। Care Supreme में 15 लाख से कम की पॉलिसी के लिए रोड एम्बुलेंस के लिए अप टू 10,000 तक के चार्जेस अवेलेबल हैं एंड 15 लाख और उससे ऊपर के सम इंश्योर्ड के लिए अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। ICICI Lombard Elevate में अप टू सम इंश्योर्ड रोड एम्बुलेंस के चार्जेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, एयर एम्बुलेंस। Care Supreme में 5 लाख पर ईयर तक के चार्जेस अवेलेबल हैं एयर एम्बुलेंस के लिए। ICICI Elevate में एयर एम्बुलेंस इनबिल्ट नहीं है, हमें ऐसे एड ऑन लेना होता है। फ्री हेल्थ चेकअप, दोनों ही प्लान में फ्री हेल्थ चेकअप इनबिल्ट कवर नहीं है, हमें ऐसे राइडर लेना होता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट, दोनों ही प्लान में मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर है, कोई भी कैपिंग नहीं है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में। सेकंड, मेडिकल ओपिनियन दोनों ही प्लान में कवर नहीं है। ई कंसल्टेशन, Care Supreme में अनलिमिटेड टाइम्स ई कंसल्टेशन अवेलेबल है। ICICI Elevate में ई कंसल्टेशन अवेलेबल है बट एज ए एड ऑन, इनबिल्ट अवेलेबल नहीं है। मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न बेबी कवर, Care Supreme में मैटरनिटी कवर अवेलेबल नहीं है। ICICI Lombard में 2 इयर्स के वेटिंग पीरियड पे मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न बेबी कवर अवेलेबल है, बट इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और प्रीमियम्स को देख के यह बिल्कुल भी कोई मैटरनिटी वाला प्लान नहीं है। यदि आपका स्पेसिफिक मैटरनिटी का रिक्वायरमेंट है, फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड कवर दोनों ही प्लान में अवेलेबल नहीं है। प्लान वेरिएंट्स की बात करें तो Care Supreme में हमें Care Supreme एंड Care Supreme वैल्यू या फिर Care Supreme स्मार्ट सेलेक्ट, ऐसे 2 वेरिएंट मिलते हैं। Care Supreme के सिर्फ 2 ही वेरिएंट हैं। कुछ ऑनलाइन पोर्टल हमें Care Supreme के बहुत सारे वेरिएंट्स दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो अलग अलग राइडर्स जोड़ के आपको अलग अलग प्लान के वेरिएंट बताते हैं। एक्चुअल में Care Supreme के 2 वेरिएंट है, Care Supreme एंड Care Supreme वैल्यू। सो Care Supreme वैल्यू या स्मार्ट सेलेक्ट बस एक ऐसा प्लान या फिर ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल की एक लिस्ट होती है, सिर्फ उनमें ही जाके आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आउटसाइड स्मार्ट सेलेक्ट यदि आप जाते हैं तो फिर आपको कोपेमेंट देना पड़ता है 20% का। इसी कारण जो Care Supreme वैल्यू या फिर स्मार्ट सेलेक्ट है उसका जो प्रीमियम होता है कम होता है, तो इस टाइप के प्लान्स को अवॉइड करें, आप सिर्फ नॉर्मल Care Supreme प्लान ही लें। वेटिंग पीरियड दोनों ही प्लान में 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है जो कि इंडस्ट्री वाइज कॉमन है। इसके अलावा स्पेसिफिक स्लो ग्रोइंग डिसीज के लिए 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है, यह भी इंडस्ट्री वाइज कॉमन है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए Care सुप्रीम में 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड है, वहीं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में 3 इयर्स का इनबिल्ट वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए। चलिए दोनों ही प्लान के कुछ यूनिक बेनिफिट्स की बात करते हैं। केयर सुप्रीम में जो सबसे पहला यूनिक बेनिफिट हमें मिलता है नो क्लेम बोनस, जिसमें हमें 50% क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, मैक्सिमम अप टू 100%। नेक्स्ट यूनिक बेनिफिट है क्यूमुलेटिव बोनस सुपर। हमें केयर सुप्रीम के साथ एड ऑन मिलता है जिसमें हमें 500% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है नेक्स्ट 5 इयर्स तक, 100% क्यूमुलेटिव बोनस एवरी ईयर। सो इस प्लान के साथ हमें 5x का बेनिफिट क्यूमुलेटिव बोनस सुपर के साथ मिल जाता है, 1x का बेनिफिट जो इनबिल्ट नो क्लेम बोनस है उसके साथ मिल जाता है। सो ऐसे यदि हम 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो नेक्स्ट 5-6 इयर्स में वो 70 लाख तक की हो जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट है वेलनेस बेनिफिट, जिसमें यदि हम कंपनी के स्टेप काउंट के टारगेट्स को पूरा करते हैं तो अप टू 30% तक का रिन्यूअल डिस्काउंट हम अवेल करा सकते हैं। इसके अलावा एक और यूनिक बेनिफिट हमें मिलता है इंस्टेंट कवर का। सो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडमिया, अस्थमा जैसी लाइफस्टाइल डिसीज के लिए विदाउट एनी वेटिंग पीरियड day 1 से यह प्लान हमें कवर करता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट की बात करें तो सबसे बड़ा यूनिक बेनिफिट इस प्लान के साथ हमें मिलता है वो है पावर बूस्टर, जो कि हर साल हमें 100% का क्यूमुलेटिव बोनस देता है अनलिमिटेड टाइम। सो जितने सालों तक हम इस प्लान को रिन्यू करते हैं उतने सालों तक हमारे पॉलिसी में 1x कवरेज ऐड होते जाता है, जो कि इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट यूनिक बेनिफिट हमें मिलता है इसके साथ इनफाइनाइट केयर का, जिसमें हम वंस इन अ पॉलिसी लाइफ टाइम किसी एक क्लेम को इनफाइनाइट सम एश्योर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आपके पास यदि छोटे सम एश्योर्ड की पॉलिसी है बट कोई बिल जो है बहुत बड़ा आ गया है, 10-15 लाख की पॉलिसी है, 10-15 लाख का आपके पास क्यूमुलेटिव बोनस है, लेकिन आपके पास 80-90 लाख का बिल आ गया है, तो उसे काउंटर करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा यूनिक बेनिफिट है। दोनों ही प्लान में हमें अनलिमिटेड रिस्टोर का बेनिफिट मिलता है, लेकिन केयर सुप्रीम में हमें जो अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर का बेनिफिट मिल रहा है वह रिलेटेड एंड अनरिलेटेड दोनों ही इलनेसेस के लिए है, बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक 45 डेज का कूलिंग पीरियड होता है रिलेटेड इलनेस के लिए। रिलेटेड इलनेस का मतलब यह है कि यदि किसी एक डिसीज के लिए किसी साल में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उसी डिसीज के लिए फिर से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो उस डिसीज के लिए जो रेस्टोरेशन का बेनिफिट है वो 45 डेज के बाद ही मिलेगा। 45 डेज के पहले यदि हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो रेस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यह कैपिंग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में है, केयर सुप्रीम में नहीं है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में भी केयर सुप्रीम की इंस्टेंट कवर की जैसे जंप स्टार्ट का बेनिफिट हमें मिलता है, जिसमें हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडमिया, ओबेसिटी जैसे जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं day 1 से कवर कर सकते हैं विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करें जिसे सालों तक रिन्यू कर सकें, बाद में हमें चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही हमें हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी जगह से परचेस करना चाहिए जहाँ से हमें अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज मिल सकें, अच्छा क्लेम सेटलमेंट के लिए सपोर्ट मिल सके। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स एंड एग्रीगेटर्स हैं जो कि आपको अच्छा क्लेम सेटलमेंट सपोर्ट का प्रॉमिस तो करते हैं, बट एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ एक कॉल सेंटर का नंबर होता है और उस कॉल सेंटर के पीछे जो टेली कॉलर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस पर्सन ही होते हैं, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज होता है। ऐसे में जब भी आपका कोई क्लेम के लिए इशू आता है तो वो उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हमें आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स में मल्टीपल इशूज़ देखने को मिलता है। इसीलिए आप एक अच्छी जगह से पॉलिसी परचेस करें जो कि आपको क्लेम सेटलमेंट में अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है उससे आपकी हेल्प कर सकें, जो जानते हो कि मल्टीपल इश्यूज़ को कैसे डील करना है और कैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करना है उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। दोस्तों, यदि आप मेरे साथ हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां मैं आपकी मेडिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सही हेल्थ इंश्योरेंस आपको रिकमेंड करता हूं। साथ ही मेरी एक डेडिकेटेड टीम है जिसकी हेल्प से आपको लाइफ टाइम क्लेम सेटलमेंट का सपोर्ट मिलता है। चलिए दोनों ही प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात करते हैं। केयर सुप्रीम में जो पहला ऑप्शनल बेनिफिट है क्यूमुलेटिव बोनस सुपर, जिसमें हमें 5x तक का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है। इसके अलावा इसमें हमें एक यूनिक ऑप्शनल बेनिफिट मिलता है वेटिंग पीरियड रिडक्शन का। तो इनबिल्ट इसमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड है, लेकिन इस राइडर के साथ हम जो वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का उसे 3 ईयर, 2 ईयर एंड 1 ईयर तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट कवर का राइडर हमें मिलता है जो कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अस्थमा जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं उन्हें day 1 से विदाउट एनी वेटिंग पीरियड कवर करता है। नेक्स्ट है क्लेम शील्ड, जो कि नॉन पेएबल आइटम्स जो कंज्यूमेबल्स होते हैं उनके चार्जेस हमारे पॉलिसी में इनबिल्ट कवर नहीं होते हैं, उनके चार्जेस को यह राइडर कवर करता है। साथ ही हमें एक ओपीडी कवर मिलता है जिसमें हमें 500 रुपीज़ पर कंसल्टेशन अप टू 2000 रुपीज़ पर ईयर के चार्जेस अवेलेबल रहते हैं। चलिए बात करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट के ऑप्शनल बेनिफिट की। इस प्लान के साथ हमें 20 से भी ज़्यादा ऑप्शनल बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट है इनफाइनाइट केयर, जिसमें हम किसी एक क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर, जो कि हमारे बेसिक सम एश्योर्ड को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते जाता है। सो यदि आपके पास छोटा सम एश्योर्ड की पॉलिसी है 5 लाख 10 लाख की और आपने पावर बूस्टर या इनफाइनाइट केयर नहीं लिया है तो आप इस राइडर को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है पावर बूस्टर, जिसमें हमें हर साल 1x कवरेज ऐड होते जाता है हमारी पॉलिसी में। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस जंप स्टार्ट, जो कि लाइफस्टाइल डिसीजेस को विदाउट एनी वेटिंग पीरियड कवर करता है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट एकोमोडेशन, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के समय डिपेंडेंट के लिए कैश बेनिफिट प्रोवाइड करता है। क्लेम प्रोटेक्टर, जो कि कंज्यूमेबल्स नॉन पेबल आइटम्स को कवर करता है इस पॉलिसी के साथ। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है रूम मॉडिफायर, जिसके साथ हमें अपग्रेड एंड डाउनग्रेड का ऑप्शन मिलता है। अपग्रेड लेते हैं तो हम किसी भी कैटेगरी का रूम अवेल करा सकते हैं। डाउनग्रेड लेते हैं तो ट्विन शेयरिंग रूम या फिर 1% ऑफ सम एश्योर्ड की कैपिंग लग जाती है रूम पे, जिसके लिए हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है प्रीमियम पे। तो डाउनग्रेड वाला रूम मॉडिफायर बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, अपग्रेड वाला आपको लेना चाहिए। नर्सिंग एट होम, यह पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में एक क्वालिफाइड नर्स के चार्जेस कवर करता है अप टू 10 डेज। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट, जो कि न्यूबॉर्न बेबी एंड वैक्सीनेशन कवर को भी कवर करता है। इसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है एंड इसका जो प्रीमियम है काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट है कंपल्शनेट विजिट। सो यदि किसी दूसरी सिटी में हॉस्पिटलाइजेशन है तो डिपेंडेंट्स को इंश्योर्ड के पास आने जाने के लिए इकोनॉमी क्लास एयर टिकट के जो चार्जेस हैं वह कवर होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स। सो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद यदि ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स लगते हैं जैसे कि व्हीलचेयर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पेस मेकर, सो उसके चार्जेस को ये कवर करता है। कोवलसेंस बेनिफिट, तो 10 डेज से ऊपर का हॉस्पिटलाइजेशन है तो आपको कुछ कैश बेनिफिट मिलता है। हेल्थ चेकअप, सो वंस इन अ पॉलिसी ईयर आप फुल बॉडी हेल्थ चेकअप ले सकते हैं इस राइडर के साथ। नेक्स्ट है बी फिट, यह एक ओपीडी कवर है। यदि आपको अपनी पॉलिसी के साथ ओपीडी चाहिए तो इस राइडर को ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है नेटवर्क एडवांटेज। तो यह जो केयर सुप्रीम का स्मार्ट सेलेक्ट या वैल्यू ऑप्शन है उसी के जैसा है, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की एक प्रिफर्ड हॉस्पिटल की लिस्ट है, सिर्फ उनमें ही आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और यह राइडर लेते हैं तो आपको पॉलिसी में 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, बट यदि आप आउटसाइड प्रिफर्ड नेटवर्क में जाते हैं तो फिर 20% का कोपेमेंट देना होता है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट एंड क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स हैं। क्रिटिकल इलनेस के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिटिकल इलनेस कवर करने के लिए हमें यह राइडर लेना होगा। आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसीज किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करता है। ये जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर है ये फिक्स्ड बेनिफिट है। तो आप 5 लाख 10 लाख जो भी सम एश्योर्ड का यह राइडर लेते हैं, इसमें आपको वह क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने पर एक लमसम बेनिफिट मिलता है। सो जो क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट हैं वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस से सेपरेट होते हैं। इसके साथ ही हमें टेली कंसल्टेशन, ऑप्शन टू रिड्यूस मैटरनिटी वेटिंग पीरियड। तो मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड 2 इयर्स है, बट आप इस राइडर के साथ उसे 1 साल में भी कवर कर सकते हैं। साथ ही वॉलेंट्री को पेमेंट का ऑप्शन है, जिसमें आपको 10 to 50% तक के को पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। सो यदि हायर एज में आपको लग रहा है कि आपकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है तो फिर आप इन को पेमेंट के साथ अपनी जो पॉलिसी है उसकी प्रीमियम लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। दोनों ही प्लान में हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है, लेकिन जोन वाइज कोई भी को पेमेंट नहीं है। आप हायर जोन में भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं यदि यह मेडिकली नेसेसरी है तो। प्रीमियम्स की बात करें तो मैंने 30-year-old कपल का एग्जांपल लिया है विद 2 किड्स डेली एनसीआर जोन 1 में 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए, जिसमें केयर सुप्रीम में क्लेम शील्ड एंड हेल्थ चेकअप राइडर एडेड है। वहीं आईसीआईसीआई एलिवेट में पावर बूस्टर, इनफाइनाइट केयर, रूम मॉडिफायर, क्लेम शील्ड एंड हेल्थ चेकअप राइडर एडेड है। चलिए अब दोनों ही प्लान्स का क्लेम एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत ही मिसलीडिंग रेशियो है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखकर कभी भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेस ना करें। रिलायबल रेशियो होता है इनकर्ड क्लेम रेशियो, जिससे हमें यह पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रही है और उसके अगेंस्ट में कितना क्लेम लोगों को दे रही है। केयर का इनकर्ड क्लेम रेशियो 56.19% है, वहीं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 72.36% है। सो इससे देखिए क्लियरली शो होता है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जो इनकर्ड क्लेम रेशियो काफ़ी हाई है, मतलब कि काफ़ी अच्छा क्लेम डिसबर्समेंट है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का यदि हम केयर से कंपेयर करें तो। कंप्लेंट रेशियो की बात करें तो केयर में 0.51% है एंड वहीं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 0.13% है। आफ्टर सेल सर्विसेज की कंप्लेंट रेशियो की बात करें तो केयर के लिए 0.06% है, वहीं आईसीआईसीआई में 0.01% है। एंड प्रीमियम वाइज वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो दोनों ही जो प्लान्स हैं फेयर वैल्यूड हैं अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग उनके जो प्राइस हैं वो ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हमने सारे ही बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लिया है एंड उनका क्लेम एनालिसिस भी कर लिया है, प्रीमियम्स को भी देख लिया है। अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान बेटर होगा, कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा होगा। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिससे आप मुझे कनेक्ट करके मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं, मेरे साथ पॉलिसी भी परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक एक्सीलेंट आफ्टर सेल सर्विसेज की गारंटी रहेगी। दोस्तों दोनों ही प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपका कोई भी सजेशन है तो आप नीचे डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।